वेलकम टू केडी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज मेरे पास 350 था और उसमें जो है पूरा स्पीकर नहीं चल रहा था, लाइक सेंटर और सराउंडिंग दोनों नहीं चल रहे थे, बट 16 वोल्ट सब पे आ रहा था। तो उसमें कैसा प्रॉब्लम था, जैसे कि रीसेट मैंने उसमें बताया कैसे आपको रीसेट करना है, तो और USB पे ही रीसेट होगा वो, तो ओरिजिनल रिमोट रहेगा तो ही रीसेट होगा, नहीं तो रीसेट नहीं होगा। तो उसके लिए आप जैसे हर एक पिन पे आप 16 वोल्ट चेक करें, 16 वोल्ट आ रहा है फिर भी आपने समझ लो, कभी कभी कैसा रहता है मेमोरी आईसी भी हमने डाल देते हैं, डालने के बाद भी सेंटर बजता है या फिर सराउंडिंग बजता है, तो RL होता है सराउंड और ये लेफ्ट राइट का, या फिर सेंटर बजेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कैसा करना है, आपको रीसेट मारना है। रीसेट मारने के लिए USB पे रखना है और USB पे रखने के बाद रीसेट मारना है, पांचों स्पीकर आपका चालू हो जाएगा। मैंने वीडियो बनाया है, आप देख लीजिए। एंड गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच। एंड कोई भी आपको स्पेयर पार्ट या कुछ रिक्वायर्ड रहेगा तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। हेलो गाइज, वेलकम टू KD इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज मेरे पास DZ 350 है, आप देख लीजिए यहाँ पे। और इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि हेलो आ रहा था, बट इसमें मैंने देखिए रैम आईसी चेंज कर दिया। रैम आईसी चेंज करने के बाद इसमें जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं ये सब रेजिस्टेंस मैंने चेंज किए, क्योंकि रेजिस्टेंस खराब थे ट्रैक बाय ट्रैक, काफ़ी टाइम लगा इसको रिपेयर करने में। रिपेयर हो गया, उसके बाद इसमें प्रॉब्लम ये आने लगा कि ये सेंटर और सराउंड स्पीकर नहीं बज रहे थे। मेमोरी आईसी मैंने चेंज करके देखी थी कि मेमोरी आईसी है, लेकिन इसका फॉल्ट नहीं था, क्योंकि मेरे पास जो था वो फॉल्टी ही था, मेमोरी का भी प्रॉब्लम नहीं था। फिर इसमें इसको कैसे सॉल्व किया, रीसेट करके। इसको रीसेट करने के लिए आपके पास ओरिजिनल रिमोट होना चाहिए, ये ओरिजिनल रिमोट रहेगा तभी रीसेट होगा, और सब में रीसेट नहीं होगा। जैसे आपको रीसेट करना है तो इसको आपको सबसे पहले USB में डालना पड़ेगा। USB में डाल के समझ लो मैंने TV लगा दिया, ठीक है। आप USB मोड पे आ गया, आप देखिए USB मोड पे आ गया और डिस्प्ले आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या दबाना है, इसमें पेन ड्राइव खाली USB मोड पे ही रीसेट होगा और ओरिजिनल रिमोट से होगा, ये आपको बता देता हूँ मैं। अगर सेंटर नहीं बज रहा है, सराउंड नहीं बज रहा है, सप्लाई आ रही सब पे फिर भी नहीं हो रहा है, तो इसमें आपको रीसेट मार के ही होगा, उससे पहले कुछ भी आप कर लो नहीं होगा। तो इसमें देखिए आप सेटअप का बटन है, ये बटन दबाओगे तो ऐसा मेनू खुल जाएगा, ठीक है। ऐसा मेनू खुलेगा तो उसके बाद फिर आपको ये बटन दबानी है, सेटअप दबाने के बाद फिर आपको ये बटन दबानी है। ये बटन दबाएंगे फिर आपको किस पे लेके जाना है, आप देखिए ये वीडियो का हो गया, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आ जाना है आपको, ठीक है। इधर ये TV और ऑडियो लिखा हुआ है ना, उसके बाद आप फिर आपको ये बटन दबानी है, ये दबाने के बाद आपको नीचे लेके आना है, आप देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट पे लाके उसके बाद फिर आपको ये वाली बटन दबानी है। ये बटन दबाने के बाद ये उस पर चलेगा, आप बीच में बीच वाली बटन दबा के, ये वाली बटन दबा के बीच वाला आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका पीस परफेक्ट हो जाएगा और आपका पांचों स्पीकर एकदम परफेक्ट चलने लगेगा। आपको मैंने एकदम आसान तरीके बताया है और करने के लिए और भी इसमें सेटिंग है, जिससे आपने सब करके देख लिया फिर भी आपका साउंड नहीं बज रहा, जैसे सराउंड बटन दबाओगे, आपको सराउंड दबाओगे तो आप इसमें देखिए मल्टी पे पांचों स्पीकर बजता है, मल्टी स्टैंडर्ड पे पांचों बजेगा, ठीक है। अगर आपने ये सब करके देख लिया है आपका स्पीकर नहीं बज रहा, तो आपको मल्टी पे लाके इसको रोक देना है, मल्टी पे रोक देना है, उसके बाद फिर आपको सेटअप बटन दबा के और उसके बाद USB में रखने हैं। इस USB के अलावा आप कौन से मोड में रखोगे तो आपका ये रीसेट नहीं होगा। तो आपको ये जो है सेटअप का बटन दबाएंगे, सेटअप का बटन दबाया तो TV में ऐसा मोड आ जाएगा, आपको मैंने बता ही रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद आपको इसके फोर्थ वाला जो ऑप्शन है उसमें जाना है, उसके बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पे आना है, उसके बाद फिर ओके करके और रीसेट कर देना है, पूरी पीस आपकी रीसेट हो जाएगी और पांचों स्पीकर आपका एकदम परफेक्ट बजने लगेगा। एंड गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच गाइज। रीसेट करने से आपका काफ़ी सारे आप स्पेयर पार्ट कर दिया, आप अगर समझ लो स्पीकर में या कुछ इशू आ रहा है या कुछ आ रहा है या और अदर प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एक बार रीसेट करके पीस आप देख लीजिए। 350 हो गया या ब्लू रे सिस्टम हो गया, वो सब रीसेट करने से आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाते हैं। तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच गाइज।